News Network, YouTube.com। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर दी है ड्रोन के जरिए। एयर स्ट्राइक कर अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के आतंकवादियों पर वार किया। हमले में उन्होंने आईएसआईएस के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। इस हमले के बाद अमेरिका की तरफ से औपचारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि टारगेट मार गिराया गया है और किसी भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। जवाबी कार्रवाई की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो दिखाती हैं कि हमला जोरदार था और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। महामारी कोविड 19 की तीसरी लहर अक्टूबर तक पीक पर होगी। तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर बच्चों व युवकों पर पड़ेगा। उनके लिए मेडिकल सुविधा, वेंटिलेटर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके लिए अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। यह आशंका गृह मंत्रालय के पैनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी रिपोर्ट में जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर अंत तक देश में तीसरी लहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। अक्टूबर में हर दिन 5 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर अब थमता नजर आ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में सिर्फ 17 केस सामने आए हैं, ये इस साल सबसे कम है। इतना ही नहीं, राजधानी में पिछले 4 दिन में किसी की मौत भी नहीं हुई है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में कोरोना के 19 नए केस मिले थे। दिल्ली में कोरोना के अब तक 14.37 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं 25,079 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी 374 एक्टिव मरीज हैं, यह पूरे साल में सबसे कम है। इनमें से 107 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, बाकी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का सहयोग किसी से छुपा नहीं है। काबुल पर तालिबान के कब्जे को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहजीब ए इंसाफ जश्न मना रहा है और उनकी पार्टी का एक नेता कश्मीर को लेकर सनसनीखेज दावा कर रहा है। पाकिस्तानी नेता नीलम इंशा शेख ने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ तालिबान आएगा और वो कश्मीर जीतकर पाकिस्तान के सुपुर्द कर देगा। नीलम इशाद ने यह विवादित बयान पाकिस्तान बोल टीवी पर एक बयान में दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाना खारा कुआ क्षेत्र में मोहर्रम से एक दिन पहले ताजिया भ्रमण के दौरान भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 की पहचान कर ली गई है। इसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के जुलूस और रैली आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ युवकों द्वारा मोहर्रम का घोड़ा निकालने की मांग की जा रही थी। प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए।